मिट्टी बंजर तो होगी, भूमि मृदा भू माता मतलब जो जीवित थी वो डेड होने की कगार पे चली गई और डेड होगी वो सख्त होगी, मिट्टी सख्त होगी। तो उससे क्या हुआ, जब बारिशें हुई तो पानी फ्लश हो गया, वाटर आज देखना नालों में पानी बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, भूमि के अंदर नहीं हो जाता। दूसरा उससे क्या हुआ, एरेशन, जो अंदर एयर चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए थी, वो जड़ों को मिलना शुरू नहीं। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मित्र जीवाणु नीचे से संख्या बढ़ जाएगी, जो आप बोल रहे कॉलर रॉट है, जो आप बोल रहे रूट रॉट है, ठीक है, जो आप बोल रहे पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही। हम कमरे में बंद है, थोड़ी देर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, राम नाम सत हो जाएगा, और थोड़ी देर उसके बाद 1 घंटे के बाद हमें हमारे ऊपर ही फंगस आ जाएगी, बॉडी पे आती है ना, कोई डेड होता है, कोई पशु आप देखा होगा, पशु पक्षी जानवर गिरा होगा, तो वो जब डेड हो जाता है तो उसको फंगस आती है, फफूंद आती है, ठीक है। ईश्वर का नियम है, नेचर का है, कि जो डेड हुआ उसको खत्म करो, डिकम्पोज करो उसको, तो डिकम्पोज ही फंगस आ जाएगी जिससे दुर्गंध आएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, चूहे को सेंटर चाहिए, घास कट गया बेचारा कहाँ जाएगा, नहीं तो पक्षी उठा के ले जाएंगे। गौमूत्र और नीम की ओर पावर नीम की ओर और गौमूत्र है 200 लीटर पानी कितना खराब है, 50 लीटर गौमूत्र, गौमूत्र 2 लीटर 50 लीटर गौमूत्र 2 लीटर नीम की ओर। अभी मैं एक शायद जल्दी ही एक आपको स्प्रे दूंगा जो मैंने आपको नीचे डेमो दिया है, मिट्टी को जिंदा करने वाला जो डेमो दिया है उसका अभी मैं अपने फार्म में कर रहा हूँ। अगर वो ऑलमोस्ट सक्सेस हो गया है, अगर वो दे दिया तो उसी टाइम से आपकी सॉइल चार्ज हो जाएगी। ओके सर, ठीक है, तो वो मैं आपको दूंगा आने वाले टाइम में, ठीक है। अगर वो उसको पहले यूज़ करो अच्छा लगता है, ऐसे नहीं, क्योंकि मैंने देखा उसको पूरा चार्ज कर दिया उसने, आप मुट्ठी में ले आप झुका ही नहीं सकते, इतना चार्ज, इतने करोड़ों बैक्टीरिया आते हैं उसमें। वो अभी फार्म में मैं अपने लगाऊँ, अगर वो आ गया तो पहला मैं आपको और एक शाहजपुर में उन्होंने मांगा हुआ, आप में से कोई लेना चाहते हो आप, ठीक ठीक है, ठीक है, वो भले एक खेत में करें, देखना उसको पेड़ की शक्ल ही दिखेगी, अलग अलग से दिखेगी। गौमूत्र 50 लीटर और नीम की पावर 2 लीटर 4 लीटर 2 लीटर 4 लीटर किताबें हैं, प्रैक्टिकल है, सब कुछ है, आपको सीखना है, सीखने वाला चाहिए। आपने हर पूर्णिमा और अमावस्या को नींबी की और पावर 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे और नीचे थोड़ा डीच करते हैं, नीचे ऐसे पावर स्प्रे से नीचे तैर दिया, ठीक है, थोड़ा सा नींबी की और 1 लीटर में 5 ml एक लीटर नींबी की और 200 लीटर पानी, नींबी की और 1 लीटर नींबी की और पावर 1 लीटर 1 लीटर और जो आपने स्प्रे किया हुआ है, ठीक है, तो उससे कंट्रोल होगी आपकी स्केल ऊपर वाली, तो कंट्रोल होगी, इससे नीचे से ऊपर आएगा नहीं कुछ, ऊपर भी स्प्रे करो नीचे कर दो, ठीक है, हम ऊपर ऊपर चलते हैं, नीचे कर देना आपको पर पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन, अच्छा 2 दिन आगे पीछे नहीं करना कि जब दिल किया उठा के चलते, ठीक है, इसको करोगे तो आपका इस तरफ दिखेगा, चाहे आप ऊपर बगीचे में भी कर लेना, उड़काई में करवाया मैं भी सरप्राइज था, ठीक है, मैंने कहा ऊपर छोड़ो नीचे, वहाँ 6 स्प्रे कर दी माइट की, लेकिन उस खेत में माइट ही नहीं आई, अभी मैंने जाना है पता नहीं क्यों नहीं आई, मुझे भी नहीं पता था ऐसा, लेकिन मैंने तो रिकमेंडेशन दी थी, क्या होता है हमसे ज़्यादा किसान सही तरीके से करता है, अब मैंने इनको लिखा होगी दी, इन्होंने शायद मैंने बोला कि जल्दी जल्दी में स्प्रे करें, एक ये 2 लीटर डाल देंगे तो और बढ़िया काम करेगा सोल्यूशन जो है, तो क्योंकि नीचे जड़ में जाएगा, जड़ में सैप के थ्रू कड़वा कर देगा, कड़वा कर देगा कीट ही नहीं आएगा और आपका टेस्ट अच्छा आएगा।